अरे हम तो मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं, बताइए मोदी जी, नीतीश जी का गारंटी लीजिएगा कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता दो। लेकिन नीतीश जी पुराने ख्याल आपके हैं, कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच अब नहीं रह गई बिहार को आगे ले जाने के लिए, ना विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। इधर उधर इधर उधर, अरे हो क्या रहा है? हम लोग ईमानदारी से, लेकिन खुशी कम से कम इस बात की है कि हमने जो लकीर खींची है नौकरी के लिए, आज देश में कोई भी नेता होगा, कोई भी सरकारें होंगी, अब वो नौकरी और रोजगार के बारे में बात करेगी, काम करना पड़ेगा। तो इतना आप लोग ताकत दिए, और हम तो दो दो मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, हम खुद दो बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको आपके लिए चाहिए, ताकि बिहार के लिए चाहिए, बिहार आगे बढ़े, आप लोग तरक्की करें, सबको अधिकार मिले, सबको मान सम्मान मिले, हम लोग सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करें, ये हम लोग चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं कि राजद जो है, लालटेन पार्टी जो है, माई की पार्टी है। सुनिए, कुछ लोग कहते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं कि राजद जो है, लालटेन जो है, माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आधी आबादी, और पी से पुअर। पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं, सभी बहुजन आ गए, सभी अगरा लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई, और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है। हम मुजफ्फरपुर के लोगों से जानना चाहते हैं, कई विधानसभा है यहाँ, कई ब्लॉक है यहाँ, बताइए 10 साल में भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया? आकलन कीजिए, क्या फर्क आया आपके जिंदगी में? देश भर में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं। मुद्दे की बात होनी चाहिए, गरीबी खत्म करने की बात होनी चाहिए। बताइए मुजफ्फरपुर में मोदी जी ने कितना कारखाना लगा दिया, क्या पलायन रोक दिया? या बताओ मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने को रोजगार दिया? हमने तो 17 महीने में जो किया, जो कि 17 साल में नहीं हुआ। हम लोग काम करने वाले लोग, ये लोग केवल जुमला पार्टी, केवल जुमलों की बात करता है, तकरार की बात करता है। आप लोगों से हम यही कहेंगे कि हम पर भरोसा कीजिए, हमको ताकत दीजिएगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे और सब काम करेंगे, काम में कोई कोताही नहीं। जो आप फैसला कीजिए, सत्ता में रहना हो तो काम करेंगे, विपक्ष में रहना हो आपके बीच रह के आपका आवाज उठाने का काम करेंगे। हमें किसी चीज की लालसा या हड़बड़ी नहीं है। आप लोगों का तरक्की होना चाहिए, और आप लोग देखिए, देश में आज तक जो है जाति आधारित गणना नहीं हुआ,
बिहार में हम लोगों ने कराया, क्यों कराया? ताकि भाई स्थिति पता चले कौन लोग कितने गरीब लोग हैं, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग पलायन करता है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन लोग ठेला धोने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है, कौन लोग जो है कचरा और नाला साफ करने का काम करता है, कौन लोग है, कौन परिवार है रे भाई जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कौन लोग है जिसका घर नहीं है, पक्का मकान नहीं है, कौन लोग है रे भाई जो भूमिहीन है। हमने वादा किया था कि भाई सामाजिक न्याय के साथ साथ आप लोगों को आर्थिक न्याय भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। अब पता चल गया कि भाई कौन लोग है, कितनी किसकी संख्या है, कौन बेरोजगार है, किसको नौकरी है, सारा कौन गरीबी रेखा के अंदर आता है। तो जो गरीब लोग है जिसको नौकरी नहीं है उसको हम लोग जो है मदद करने जा रहे थे 2 लाख रुपया देकर के, जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं आर्थिक मदद, ये योजना हम लोग बनाए। जिसका घर नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे, जिसका पक्का मकान नहीं है, जमीन है लेकिन पैसा नहीं है तो उसको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देंगे। हो सकता था इससे काम नहीं चलता तो और हम लोग बढ़ा देते, लेकिन यही काम सब छूटा हुआ था, इसी काम में हम लोग लगे हुए थे। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ उनको, अरे है तो हमारे आदरणीय ना बुजुर्ग है, अभिभावक है, पहले भी आदरणीय थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन भाई ये बात तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा गलती की। रात रात भर घूम करके हम छापा मारते थे अस्पताल में, दवा बढ़ा दिए, साफ सफाई हो गया अस्पताल में, डॉक्टर ओपीडी डबल कर दिए, बिहार में पर्यटक नीति लाए और हमारे कार्यकाल में बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटक भी आए। ये हम लोगों ने काम किया, आईटी पॉलिसी लाए, बिहार में इन्वेस्टर मीट किया, पहली बार बिहार में बाहर के व्यवसायियों ने, पूंजीपतियों ने बिहार के साथ समझौता किया कि बिहार में पैसा खर्च करेंगे। 50,000 करोड़ का MOU साइन कराया गया, इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारा, शिक्षा मंत्री राजद का, हेल्थ मिनिस्टर तो हम खुद ही थे, हर जगह IT मिनिस्टर जो थे मंसूरी जी थे, सारा काम हम लोग करा रहे थे। IT पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स नीति लाए, बताओ नौकरी तो नौकरी, जो बिहार में पहले कोई लोग खिलाड़ी लोग मेडल लाता था तो नौकरी मिलता था। हमारे राज्य में 17 महीनों में जो खेला जो मेडल लाया उसको भी हमने अफसर बनाने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया, और जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, सारा काम हम लोग कर रहे। लेकिन आप बताइए मुजफ्फरपुर में जो हम 17 महीने में किए रहते हुए वो आपको गिरा दे, लगभग 52 स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने किया, सैंक्शन किया, पूरे मुजफ्फरपुर में जहां भी जमीन उपलब्ध हुआ, जहां नहीं था वहां 52, चाहे गाय घाट हो, उड़ाई हो, मीनापुर हो, बुचाहा हो, सकरा हो, कुर्दी हो, साहेबगंज हो, पाड़ू हो, काटी हो, मुजफ्फरपुर में 6 से 8 प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों ने उपकेंद्र का स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया। अब बनेगा और आपने फैसला भी किया कि बनेगा तो प्री फैब बना, जल्दी बन जाता है, मेंटेनेंस में नहीं ज्यादा लागत रहता है। कपट पूरा काटी रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण 43 करोड़ रुपए का प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग दिए। मोतीपुर साहेबगंज एवं मोतीपुर महाबल के बीच आरओबी का निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपया जो है हम लोगों ने प्रशासनिक स्वीकृति देने का काम किया। SKMCH मुजफ्फरपुर परिसर में होमी बाबा कैंसर अस्पताल का निर्माण की स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया। MMGSY अवशेष अंतर्गत 26 करोड़ लगभग 27 करोड़ की लागत से
41 पथ जो है यानी 26 किलोमीटर पथ का निर्माण का हम लोगों ने सैंक्शन किया। MMGSY नाबार्ड के अंतर्गत 43 करोड़ की लागत से 32 पथों का यानी 38 किलोमीटर का हम लोगों ने निर्माण कराने का काम किया। MMGS उन्नयन योजना के अंतर्गत 52 किलोमीटर यानी 45 करोड़ की लागत से हम लोगों ने सैंक्शन करने का काम किया। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई वाल कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों ने देने का काम। नियोजित शिक्षक भाइयों के लिए जितने सालों से आंदोलन चल रहा था उनको भी हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। ये मामूली काम है। लोग बोलते थे असंभव है असंभव है, तो हम बता दिए अपने पाठशाला में बता दें कि कैसे काम होता है। अब वही भाजपा वाला लोग कले देख रहे थे, अपने ही घर का लोग था इधर उधर चला गया। अच्छा है इधर नहीं तो उधर ही सही कुछ हो गया तो ठीक है, लेकिन वही लोग बोल रहा है कि भाजपा वाला लोग नौकरी दे रहा है। ये सब उन्हीं लोगों का बनाया हुआ था, सब कुछ वही लोग कर दिया। आपसे हम पूछना चाहते हैं, ईमानदारी से कहिएगा, बताइए ईमानदारी से कहिएगा कि नहीं कहिएगा। आप लोग सवाल है, आप लोगों ने पहली बार किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी देने का? किसने पहली बार बोला था? तो हम क्रेडिट नहीं ले, जो काम किए जनता की अदालत में हम नहीं बताए कि हमने क्या काम किया। हम एक महीना हो गया था, 2 महीना हो गया था सरकार में, तो यही मीडिया के साथी हैं हमारे। मुख्यमंत्री जी पहले बोलते थे कि कब्जा हो गया, तो उन्हीं पे कब्जा हो, ये लिखने नहीं देगा छापने नहीं देगा। तो जब उप मुख्यमंत्री बने तो पहला सवाल यही लोग पूछता था पत्रकार लोग, नौकरी कब दीजिएगा। अब जब धड़ा धड़ लाखों में नौकरी मिलने लगा तो नौकरी छोड़ करके राम मंदिर पहुंच गया। बोला सच्ची बात है कि नहीं है? तो ये लोग तो अपना काम करते ही रहे हैं, लेकिन आज जन विश्वास यात्रा में हम आप लोगों के साथ आए, सामने आए। आने वाला चुनाव है, आप लोगों को देखना है कि आप लोग किसके साथ दीजिएगा। थोड़ा भरोसा, अगर बिहार में स्थिर सरकार नहीं है, पहले क्या क्या मोदी जी कहते थे हमारे चाचा के बारे में कि डीएनए खराब है, भर भर के लोग गाली देता था भाजपा के लोग। नीतीश जी कहते थे मिट जाएंगे मिट्टी में, लेकिन भाजपा नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग जो है मजबूती के साथ हमारा जो है साथ देने का काम कीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है 2020 में तो 10-15 को सीट बेईमानी ना कर लिया था, इस बार कोई बेईमानी करने का अवसर उन लोगों को नहीं देना है। तो मजबूती के साथ आप लोग साथ रहिए, और एक वादा कीजिए कि जितने RJD के समर्थक लोग हैं, लालू जी के चाहने वाले लोग हैं, तेजस्वी के चाहने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये देश सबका देश है, तो कहीं भी आप लोगों से हम यही कहेंगे कि दलितों में अति पिछड़ों में आप लोग जाने का काम कीजिए, लोगों को गरीबों को सीने से लगाइए, जोड़ने का काम कीजिए। जितने लोग वो चाहने वाले वादा कीजिए कि एक एक व्यक्ति कम से कम 5 लोगों को जोड़ने का काम करेगा। 5 जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा, चाहे अग्रे हो पिछड़े हो अल्पसंख्यक भाई हो चाहे दलित भाई हो अति पिछड़े हो, ये आपकी पार्टी है, तेजस्वी आपका बेटा और भाई है, आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपको आपका अधिकार दिलाने का काम करेगा। अब मुकाम तक हम लोगों को पहुंचाना है।
इसकी बिहार को आगे ले जाने का आगाज हमने कर दिया है, आपके तरक्की के लिए आगाज हमने कर दिया है, बस अब मुकाम तक पहुंचाना है, इसका आप लोग साथ दीजिए, विश्वास देने का काम कीजिए। और ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, पार्टी के जितने हमारे विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और इन लोगों को भी कहेंगे कि जनता के बीच रहिए, जनता के सुख दुख में भागीदार रहिए, और जब भागीदार रहिएगा तो जनता आपको कंधे पर उठाने का काम करेगी। तो इतने कम समय में आप लोग यहाँ आए, और हम लोग पटना बुलाएंगे तो आइएगा कि नहीं आइएगा, एक बार पटना से भी हुमत दे रहा है, जिस दिन पटना पहुंच जाइएगा उस दिन इन लोग का पतन शुरू हो जाए। तो जल्दी आप लोगों को तारीख भी बता दिया जाएगा, सारा चीज एक बार फाइनल हो जाए तो एक बार पटना में भी आइएगा। अब लालू जी तो शुभकामना भेजे, लेकिन अभी इतने स्वस्थ नहीं है कि पूरा बिहार घूम ले बाय रोड, लेकिन कम से कम लालू जी भी आप लोगों से संवाद करना चाहते तो पटना आइएगा, तो उनकी बात को भी सुनिएगा, तो जब बुलाएंगे तो आइएगा ना, अरे हाथ उठा करके बताइए, भाजपा भगाना है ना, चाचा को काला भगाएगा तो सम्मान कीजिए भाई, सम्मान कीजिए, बड़े हैं, बड़े परिवार के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन अरे भाई आसमी लड़ाई भाजपा से ना बा, ताकतवा काला चाइस कीजिएगा उन्हें, अब कोई ताकत रह गया है, तो लड़ाई तो भाजपा से ना है, तो लड़ाई वहां है, तो भाजपा का भगाना है, बिहार और देश को बचाना है, एकजुट रहिए, एक रहिए, हमारी पूरी शुभकामना है, मुजफ्फरपुर की जनता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।